एग्जिट पोल एक अनुमान है, वो वास्तविक मतलब रिजल्ट नहीं जा करके है। वास्तविक रिजल्ट तो 10 तारीख को आएगा और स्थिति साफ हो जाएगी। और जो मुझे जानकारी मिल रही है, मैं तो बिहार के लगभग अधिकांश जिलों में गया था और गया चुनाव संपन्न प्रथम चरण के बाद दूसरे तीसरे चरण में घूमा जो हूँ, तो अपार जन समर्थन NDA के पक्ष में रहा जा करके है। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता का आशीर्वाद फिर एक बार NDA सरकार को इसलिए मिलेगा कि बिहार में जो विकास का दौर चला है, बिहार में कानून का राज, बिहार में डेवलपमेंट जो हुआ है और नौजवानों को रोज़गार भी हमने दिया जाकर 6 लाख लोगों को हमारी सरकार में, NDA की सरकार बिहार में थी। और आगे भी हमने एक वायदा किया है कि हम हमारी सरकार बनेगी तो रिक्त पदों पर बहाली भी होगी और रोज़गार का अवसर पैदा करेंगे। बिहार कृषि प्रधान राज्य है जाकर, तो कुल मिलाकर संपूर्ण बिहार में जनता ने NDA प्रत्याशियों के पक्ष में अच्छा मतदान किया है जाकर के, समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री का जो आगमन हुआ था नरेंद्र भाई मोदी का जाकर के, उससे और लोगों में उत्साह बढ़ा और जन सैलाब मर पड़ा। और मैं तो कई सभाओं में उनके साथ था जाकर के, और उनका जो सोच है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और केंद्र सरकार के द्वारा जो बिहार में बड़ी बड़ी योजनाएँ जो लाई गई है, नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, टेलीकॉम हो, एरीगेशन हो, एग्रीकल्चर है, हेल्थ और आपका एजुकेशन, सभी सेक्टर में भारत सरकार के बेहतर परफॉर्मेंस जो बिहार में हुआ है वो भी मेरे एक प्लस पॉइंट था। प्लस बिहार सरकार के द्वारा, राष्ट्र सरकार के द्वारा जो कई योजनाएँ, अब देख लीजिए आप सात निश्चय है, उसके अलावा विद्यार्थियों को, जो गरीब लोग थे जिनके पास पैसे का अभाव था, ऐसे लोग हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऋण भी देने का काम किया। तो बिहार भी सभी मोर्चों पर बेहतर काम किया। आज 24 आवर बिजली बिहार में मिल रही है, सड़कें गड्ढे से सड़कों को हम लोगों ने चमाचम सड़कों को बनाने का काम किया। बिहार में कानून का राज को स्थापित हम लोगों ने किया करके, बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बाढ़ वाले क्षेत्र में भी और कोरोना वैश्विक महामारी में भी भारत सरकार और राज्य सरकार का बेहतर परिणाम था कि हम लोगों ने माने उसको नियंत्रित करने का कोरोना को काम किया गया। संक्रमण बढ़ा जरूर लेकिन तेजी से स्वस्थ भी लोग हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था थी जाकर। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि जो अभी एग्जिट पोल जो आया है जाकर के, अब एग्जिट पोल आएगा जाकर के 10 तारीख को जाकर, एक अनुमान था, एक अंदाज पर एक सर्वे करके कुछ लोगों के बीच में उन्होंने निकाला है जाकर के, तो कोई 100% सही नहीं जाकर के है। उसको हम समझते हैं कि अनुमान अंदाज लगाया उन्होंने कि स्थिति है, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है कल 10 तारीख को मैं समझता हूँ शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी और बिहार में फिर से NDA की सरकार ही बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।